ओके हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं इस कैंपिंग स्टोव का। इसमें ये बुटेन गैस सिलेंडर है जो इसके साथ कनेक्ट करके यूज़ किया जाता है। आज पहली बार ही है मैं भी इसे यूज़ करने वाला हूँ, तो एक तरह से ये अनबॉक्सिंग है और बॉक्स पहले ही अनबॉक्स हो चुका है, तो एक तरह से मैं इसको फीचर आपको बताने वाला हूँ और साथ में बताऊँगा कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। अमेजन की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा समवेयर 800 और समथिंग में। एग्जैक्ट प्राइस आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक से चेक कर लीजिएगा। नीचे एक प्रॉपर बेस के लिए स्टैंड दिया गया है, तो ये स्टैंड है। और बुटेन गैस के सिलेंडर को इसके साथ लिंक करने का तरीका वो आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये ठीक है, ये पूरा कनेक्ट हो गया इसके साथ, एकदम सॉलिड, डन, सिंपल। और लिट करने के लिए इसमें दिया गया है ये, तो यहाँ से आप गैस को लूज़ करेंगे, नॉब को ओपन करेंगे और ये बटन प्रेस करेंगे। बड़ा बर्तन अगर आपके पास है उसे आप इसके साथ रखना चाहते हैं तो इस तरह से ये पॉट स्टैंड है जिसके ऊपर आप किसी भी बर्तन को, बड़े या छोटे बर्तन को इजीली रख पाएंगे। लीजिए, स्टार्ट हो गया है। जहाँ मैं इसे यूज कर रहा हूँ काफ़ी विंडी है, तो फिर भी लीजिए लीजिए, इट्स अ विंडी प्लेस और फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से जल रहा है हवा में होने के बावजूद भी, तो इस हिसाब से तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। और हैरानी की बात है, अभी अभी मैंने इसको ऑन किया हार्डली फ्यू सेकंड्स अगो और पानी में से भाप उठनी शुरू हो गई है, तो मतलब हीट प्रॉपर दे रहा है, इट्स अ गुड साइन। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं, पीते हैं, देखते हैं कितने टाइम में बनेगी कॉफ़ी। लीजिए, पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, करीब करीब 2 मिनट हुए हैं और ढका नहीं गया बर्तन को, अगर ढकते तो और जल्दी हो सकता है। लीजिए, पहली डिश है ब्लैक कॉफ़ी। Oh goodness, it's really hot. लो जी, ब्लैक कॉफ़ी हो गई हमारी रेडी। टोटल टाइम टेकन सिंस द वीडियो स्टार्टेड इज 5 or 6 minutes एंड टू मेक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी इट हैज़ टेकन ओनली 3 minutes, दैट्स इट। सो पॉट इज़ वेरी हॉट, सो ये है हमारी कॉफ़ी। लीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्राइस भी वहीं पर है, आप एक बार लिंक पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस वाइज आई एम रियली लाइकिंग इट, इट्स अ गुड वन। ओके, सो थोड़ा डार्क है टेंट के अंदर बिकॉज ये मेरा जो LED है डिम हो गया है और हम बना रहे हैं मैगी। ओके, एक मोबाइल की फ्लैश लाइट एक बार ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, या बेटर। सो ये मैगी बन रही है, ये हमारा स्टोव है जो देखिए, तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसे टेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं बैठा हूँ, अभी मैं बैठा हूँ टेंट के अंदर और ये बन रही है हमारी मैगी। पहाड़ पे गए, कैंपिंग किया और मैगी नहीं खाया तो मज़ा नहीं आया ना, कैंपिंग अधूरी जैसी लगती है, तो ये कुछ वैसा ही है। तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने नीचे एक पत्थर ज़रूर रखा है सेफ्टी के लिए एंड द रीज़न वॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना महंगा मैट्रेस किसी भी वजह से ख़राब हो। सो देखिए, आई थिंक इज डूइंग अ गुड जॉब, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स, राइट, 3 मिनट हो चुके हैं, वाटर बॉयल होना शुरू हो गया है और मैगी बननी भी। Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.